अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरा धनिया कीमा। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं इसमें। चलिए तो आइए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। 50 ग्राम हमने कीमा लिया है, एक पाव से थोड़ा ज़्यादा, 125 दोनों हमने हरा धनिया और दही लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून हमने घी का भर के लिया है। अब हम साथ में ही कीमा भी डाल देंगे। आप ये बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, अलग टेस्ट आता है इसका। और कुछ करना भी नहीं, सारी चीज़ें एक साथ डाल के अच्छे से इसको घुमा के और सीटी ले लो दो, आप यूँ ही बन जाएगा आपका कीमा इजी तरीके से। चलिए इसकी बस हमें थोड़ी सी भुनाई करनी है, हल्के से ये जो कीमा है इसको अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम 2 सीटियाँ लगा देंगे इसमें और फिर इसके बाद देखते हैं कि कितना हमारा कीमा गला है। वैसे तो कीमा 2 सीटियों में ही अच्छे से गल जाता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप बना के देखिए। हमें इसको अच्छे से भूनते हुए अब इसको हम सीटी लगा देंगे। 2 सीटियाँ लेनी है हमें बस, 2 सीटी के बाद हमारा ये कीमा गल जाएगा। हमारे कीमे की 2 सीटियाँ आ चुकी हैं और कीमा भी गल गया है हमारा। इसको बस 1 या 2 मिनट तक इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम कीमे की, फिर इसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे। मिनट हमें हो चुके हैं, अब हम हरा धनिया डाल देंगे। हमने हरा धनिया धो के रखा था, क्योंकि अगर आप हरा धनिया हाथों हाथ धो के डालोगे तो पानी होता है, आप पहले से हरा धनिया धो के रखना जिससे पानी निकल जाए। हम सिर्फ लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे कीमा 2 मिनट के लिए, फिर इसके बाद हम सर्व करके दिखाएंगे आपको। अब हमारा कीमा रेडी हो चुका है, हम सर्व कर लेते हैं। कीमा बनके हमारा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।